तो और एक टूल जो है लेटेस्ट टूल न्यू अनलॉकिंग टूल MTK जो CPU, तो वो टूल आया है। तो यहाँ से आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ से क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाएगा। तो आने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड लिंक 1 लिंक 2 दोनों मिल जाएगा, और यहाँ पे मोबाइल कोर्स मोबाइल सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग कोर्स जो है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके वो भी आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। तो आप जैसे ही लिंक 2 पे क्लिक करोगे तो ये वाला वेबसाइट पे आ जाओगे। आने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ से पासवर्ड यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे क्लिक हवर पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे ये मेगा का लिंक है, तो ये आपको डायरेक्ट जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इसको डाउनलोड यहाँ पे कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप MB देख सकते हैं, सिर्फ 23 MB का है। तो यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये स्टार्ट हो चुका है, और ये इसको मैं डाउनलोड होने देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे ये मोबाइल सॉफ्टवेयर कोर्स ट्रेनिंग है, जो भाई लेटेस्ट आपको कुछ सीखना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो इसको आप परचेस कर सकते हो। और यहाँ पे नीचे आपको शेयर मार्केट का दिया गया है, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो। मोटिवेशन रील बंडल भी आप यहाँ पे परचेस कर सकते हो, इस साइट पे पड़ा है। तो चलिए मैं यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। जो MTK जितना भी MTK CPU का है तो वो इस टूल के अंदर होगा। तो चलिए मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको आप जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, होने के बाद आपको जो डिफेंडर है डिफेंडर आपको ऑफ कर लेना है। तो चलिए मैं आगे दिखाता हूँ, ये हमारा देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ। डेस्कटॉप पे लेने के बाद इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड यहाँ पे वेबसाइट पे दिया गया है, तो यहाँ से आपको पासवर्ड भी ले लेना है। तो मैं थोड़ा बैक आता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पे इसका पासवर्ड है, इसको आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका डिफेंडर ऑफ रहना चाहिए। तो मेरा भी यहाँ पे डिफेंडर ऑफ है, मैं चेक कर लेता हूँ। जो रियल टाइम प्रोटेक्शन है, या तो आपका PC में कोई भी एंटीवायरस है उसको आपको डिसेबल करना है। तो यहाँ से मैं मेरा जो डिफेंडर है उसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है, तो इसको मैं रियल टाइम प्रोटेक्शन को यहाँ से मैं ऑफ कर देता हूँ। तो इसका मैंने सेटिंग में आता हूँ। सेटिंग में आने के बाद ये रियल टाइम प्रोटेक्शन को आपको ऑफ कर देना है, और यस कर देता हूँ। और एक्सट्रैक्ट हो चुका है हमारा टूल जो है, एक्सट्रैक्ट हो चुका है। होने के बाद इस तरफ इंटरफेस आएगा, तो आपको ये जो है इसको आपको डबल क्लिक कर देना है, या तो रन एंड एडमिनिस्ट्रेटर पे आपको क्लिक करना है। तो अब जैसे क्लिक करोगे टूल आपका ओपन हो जाएगा यहाँ पे इस तरफ। चलिए इस पर क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट फैक्ट्री रीसेट FRP कर सकते हो, फॉर्मेट ऑल टाइप कर सकते हो, यहाँ पे सेव फॉर्मेट स्किप डाटा कर सकते हो, इस पर आपको टिक लगा के सेव फॉर्मेट कर सकते हो, इरेस FRP कर सकते हो, इरेस FRP न्यू न्यू ISO, जो ISO फाइल न्यू रहता है उसको भी आप यहाँ पे FRP कर सकते हो, जो लेटेस्ट मॉडल है, जितना भी मीडिया टेक का लेटेस्ट मॉडल है तो उसका यहाँ पे FRP भी अनलॉक कर सकते हो। इरेस FRP सैमसंग का कर सकते हो, टेस्ट पॉइंट वाला, जो सैमसंग का मीडिया टेक होता है टेस्ट पॉइंट वाला, उसको यहाँ पे कर सकते हो। इरेस MI क्लाउड, जो MI का अकाउंट जो लॉक रहता है उसको भी यहाँ पे कर सकते हो। तो अनलॉक बूट लोडर कर सकते हो, लॉक बूट लोडर कर सकते हो, रिमूव डेमो वीवो का, जो वीवो का जो कुछ मॉडल पे वीवो का लॉक आता है डेमो लॉक, उसको भी यहाँ पे अनलॉक कर सकते हो। रियलमी डेमो ओप्पो रियलमी का जो डेमो लॉक होता है उसको भी यहाँ पे कर सकते हो, जो मीडिया टेक वाला है। और यहाँ पे बैकअप NB डाटा कर सकते हो,
इरेस नाभा बैकअप कर सकते हो, रीसेट नाभा बैकअप वो भी कर सकते हो, और इस साइड में दिया गया है रीड डेमो पारा, तो यहाँ पे ये कर सकते हो रीड डेमो बूट फाइल, रीड डेमो बूट फाइल कर सकते हो, विथ बूट फाइल ये भी कर सकते हो, डेमो सिस्टम कर सकते हो, डेमो फाइल फ्लैश बिन फाइल कर सकते हो, वेट फ्लैश कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारा फ्यूचर दिया गया है भाई, आपका सिंपल है, जो भी आपका मॉडल है कोई भी लेटेस्ट मॉडल रहने दीजिए। अगर आपको फैक्ट्री रिसेट करना है साथ में FRP, तो इस पर आप टिक मार्क लगा के स्टार्ट पे क्लिक करो, क्लिक करके वॉल्यूम अप डाउन पकड़ के यहाँ पे कनेक्ट कर दो फोन को, तो आपका कौन सा भी रहने दो, लेटेस्ट रहने दो, पुराना मॉडल रहने दो, तो इसमें जो है आपका फैक्ट्री रिसेट और साथ में FRP भी हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टॉप करने का भी ऑप्शन है, यहाँ पे स्टार्ट करने का, यहाँ पे स्टॉप करने का, और जो भी मान लीजिए आपको खाली FRP करना है, तो जो भी लेटेस्ट मॉडल है खाली FRP करना है, तो यहाँ पे जो है इरेस FRP पे टिक मार्क लगाओ, स्टार्ट कर दो और वॉल्यूम अप डाउन पकड़ के चेक कर लो बस। इसमें फ़ोन को डाटा केबल से कनेक्ट करो, और ड्राइवर आपका प्रॉपर होना चाहिए सिस्टम के अंदर, तभी जाके वर्क करेगा। तो इसको मैं यहाँ पे फिलहाल स्टॉप कर देता हूँ। इसका मेन मेनू यहाँ पे डिवाइस मैनेजर ओपन होगा, इंस्टॉल, तो यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टॉल MediaTek ड्राइवर। तो यहाँ पे आप क्लिक करके जो आपका MediaTek का ड्राइवर है, देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, जो MediaTek का ड्राइवर है सीधा इसके अंदर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको पहले यहाँ पे जैसे टूल ओपन होगा तो आप ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना है, नहीं तो आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा या तो कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे आपको ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना है, इसमें मेनू में आके आपको ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना है सबसे पहले, और यहाँ पे डिवाइस मैनेजर दिया गया है, तो इसको आप ओपन करके रख देना है साइट में, तो आपको पता चल जाएगा आपका फ़ोन कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे एक तरफ डिवाइस मैनेजर ओपन कर लो और फ़ोन को कनेक्ट करो। मान लीजिए कोई भी मॉडल है तो उसको आपको यहाँ पे लेटेस्ट रहने दीजिए या तो पुराना रहने दीजिए, जो भी है इसके अंदर आप चेक कर लो एक बार। तो यहाँ पे फॉर्मेट डाटा पे क्लिक करो, बस वॉल्यूम अप डाउन दबा के कनेक्ट कर लो। छोटा सा टूल है, बहुत काम का टूल है ये, लेटेस्ट मॉडल काम कर रहा है, तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो इस टूल को आप इजीली डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, फ्री में है अभी का टाइम में।